आज मेरे साथ है माधव सर। माधव सर बेसिकली बिलोंग करते हैं बिहार से, बिहार मुजफ्फरपुर। सो माधव सर, छठ पूजा कैसा है बिहार का? इसे शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता है। लाइफ में ड्रीम जैसे पूरा होने पे आदमी जैसे मतलब अपने ड्रीम को अचीव करने के बाद जैसे अंदर फीलिंग आती है जी सर, एवरी ईयर छठ पूजा आने के बाद, छठ पूजा के वक्त इससे पहले मेरे अंदर वही सेम फीलिंग आती है। तो माधव सर, अभी छठ पूजा हो रहा है तो आप घर जाओगे? छठ एक ऐसा पर्व है जी सर, जिसे ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का इवेंट कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। वो भावनात्मक है, अपने गांव अपने समाज के साथ मनाया वो छठ पर्व एक भावना है जिसे हम कपड़ों में पर, मतलब मैंने सुना है कि छठ पूजा में हर बिहारी घर जाते हैं, एक यूनिटी मिलता है। देश के किसी कोने में तो बिहारी अगर रह रहा है वो असल में बिहारी है, तो छठ के महापर्व में वो अपने गांव समाज में ना जाए, ये उसके अंदर से बिहारी होने का एक जैसे मानवता का गर्व, मानवता होने पे हमें गर्व है कि हम मानव है, ह्यूमन बॉडी, वैसे ही बिहारी को छठ पर्व पे घर जाना चाहिए। तो देख लो दोस्तों, छठ पूजा कितना अहमियत रखता है एक बिहारी के लिए, ये माधव सर से हमें जानने को मिला। माधव सर धन्यवाद, छठ पूजा पे आपने इतना विचार प्रकट किया, थैंक यू सो मच।